भगवान शिव जीव के पिता भी हैं, माता भी हैं, क्योंकि माता अन्नपूर्णा तो सर्वकाल संग रहती हैं, अकेले रहती नहीं। देखो आप, जिस प्रकार पिता स्वरूप है, पिता नाम है, पिता तपश्चर्या है, अरे किसी कवि ने लिखा है कि पिता जब साथ में होता है तो बाजार के सारे खिलौने अपने होते हैं। पिता साथ हो, पिता बच्चों को प्रसन्न देखना चाहता है। कौन पिता? जगत पिता। जगत पिता परमात्मा भी किसी जीव को दुखी नहीं देखना चाहता है, क्योंकि वो पिता है। तुम हे व मां, पांडव गीता, तुम हे व माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधोश्च सखा, त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणम्, त्वमेव त्वमेव सर्वम् मम नैव। हे प्रभु, आप सब हैं, आप ही माता हैं, आप ही पिता हैं, आप ही भाई हैं, आप ही द्रव्य हैं, आप ही सर्व हैं, आप क्या नहीं, अर्थात सब आप में है, आप सब में। इस श्लोक का इतना ही अर्थ है। गाते समय इस बात का अवश्य स्मरण रखा जाए कि हम जो गा रहे हैं उसका अर्थ क्या है। जो भी गा रहे हैं, क्यों ही गा रहे हैं, क्यों गा रहे हैं, किस लिए गा रहे हैं, किस निमित्त गा रहे हैं, यदि हमारे चित्त में बात नहीं आई कि हम जो गा रहे हैं उसका अर्थ क्या है, तो डुक्किंग करने करते रह जाएंगे, कुछ अभिप्राय सिद्ध नहीं होगा। हम तो श्री रामचरित मानस जी की पंक्तियां भी गाते हैं, अर्थ न निकले तो व्यासपीठ से उतरते जाके समझते हैं कि कहा क्या गया है। आप थोड़ा गाओ, थोड़ा स्मरण रखो, थोड़ा माँ। देखो, भगवान तुमेव माता, पहले माँ है। माँ क्या है? साक्षात ममता है। माँ क्या है? माँ श्रद्धा है, माँ स्नेह है, माँ लाड़ है। लाड़ पिता से नहीं मिल सकता है, पिता से तो फटकार मिलती है। पिता बार बार केवल मर्यादा की बात करता है, मर्यादा का ख्याल है, मर्यादा का ध्यान रखो चाहे जो करो। माँ, हाँ, पिता मर्यादा का पाठ पढ़ाता रहता है और माँ इशारा कर देती है जब इनका कोर्स पूरा हो जाए तो पीछे से घर आ जाना। क्या बाबा ने कहा? माँ सुरक्षा है, माँ अचल प्रतिष्ठा है। किसकी? ममता की, स्वरूप की। माँ अचल प्रतिष्ठा है। मेरे भगवान ने जब मनुजी महाराज और शत्रुपा अम्बा को आशीर्वाद दिया, वरदान दिया, तो क्या कहा? माँ तो विवेक लौकिक तो रे, माँ तो विवेक अलौकिक तो रे, कबून मिटी अनुग्रह मोरे, कबून मिटे अनुग्रह मोरे। माँ तो विवेक अलौकिक तो रे, माँ तो विवेक अलौकिक तो रे।
जिसे कहा मां आपका यह अलौकिक विवेक कौन जे निजनाथ भगत तव अही जो सुख चाह जो गति सोई सुख सोई गति सोई भक्ति सोई निज चरण सने सोई विवेक सोई रहनी प्रभु हम ही कृपा करी दे। पिता के साथ एक बड़ा खतरा है, कभी कभी पिता को ऐसा लगता है कि बच्चे तो हमारी सुनते नहीं अपने मां की ही सुनते रहते, पिता को ऐसा लगता है, लगना भी चाहिए क्योंकि माँ अपना सब सुख त्याग कर संतान को पालती है, बच्चों को पालती है, बेटा बेटी पारिवारिक जन सबको पालती है। पिता 10 से 6 बाहर रहता है, महीनों बाहर रहता है, समय से आता है समय से जाता है और उसका जो अपना तौर तरीका उसमें जीता है, तो पिता तपस्या भले करता है परंतु सारा परिवार का दुख सुख जब तब असन व्यसन माँ देखती है तो बच्चे भी देखते हैं कि मेरी माँ ही खपती रहती है, ये तो मेहमान है आते रहते हैं जाते रहते हैं। यहाँ मनुजी महाराज ने देखा, देखिए 23,000 वर्ष तप करने के बाद ये स्थिति है जीव की कि मैंने जो वर मांगा उसमें तो महारानी जी को आधा पहले मिल गया, इन्होंने अलग से मांग लिया तो 75% मिल गया ना। तब मनु जी महाराज ने चरण पकड़ करके कहा प्रभु इनको जो दिया आपने दिया, जब आप हमारे पुत्र होकर आए बन कर आए लाला होए तो जगत के जीव पिता का जो अपने पुत्र में प्रेम राग हो वो मेरा आप में स्थिर हो, एवं अस्तु ऐसा ही होगा होगा। पूज्यपाद गोस्वामी जी कहते हैं माँ, माँ क्या है सुरक्षा, बाबा सुरक्षा। ज्योतिषी लोग जब कुंडली विचार करते हैं तो अंतिम चरण में ये लिखते हैं द्वादश स्थानों का निर्णय बना दिया हूं, 2020 में ये होगा, 21 में ये होगा, 22 में ये होगा, शनि का राहु में प्रवेश होगा और राहु का शुक्र में प्रवेश होगा, मंगल नीच का है, बुध उच्च का है, बृहस्पति दबा हुआ है, सब लिख देते हैं और बाद में कहते हैं जातक को यह आज्ञा दी जाती है, आग्रह है कि समय पाकर भगवान शिव का अभिषेक महामृत्युंजय जप सतचंडी आदि आदि ये निरंतर कराते रहे और कोई अटपटाग्रह हो श्री हनुमान जी महाराज की शरण में आश्रय करते हुए चालीसा का पाठ निरंतर करते रहे। ये आचार्य लोग क्यों लिखते हैं, क्योंकि भगवान शिव माता भी हैं और पिता भी है, मां अन्नपूर्णा माता भी है पिता भी है, बहुत नहीं